हेलो दोस्तों, मैं शहजाद कुरैशी आपका होस्ट व्लॉगर पिक्चर साथ साथ। मुझे उम्मीद आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हमारे नुस्खे आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही जबरदस्त हैं। हमारे सारे दोस्त लगा रहे हैं और सारे कबूतर तकरीबन शाम को मिटा रहे हैं। कबूतर बहुत रेयर चांस है कबूतर कोई गिर गया। मुझे वैसे अभी तक कोई वीडियो नहीं है जिसमें किसी ने कहा कि कबूतर मेरा गिर गया है। एक दो मैंने बातें बताई थी कबूतर को लगाने का तरीका वगैरह, बस वो समझने वाली बात है, वो सीख लें तो इंशाल्लाह आप कबूतर शाम को बिठा सकते हैं। और दूसरा, सबको आज जुमातुल मुबारक, रमजान मुबारक का तीसरा जुमातुल मुबारक है। आप सबको बड़ा बड़ा जुमा मुबारक हो। अल्लाह की ज़ात पाक हमारी इबादत को और कबूल फरमाए और हमें रमजान मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। तो आज ही टॉपिक की तरफ आते हैं। आज ही हम वीडियो बना रहे हैं जिसे कहते हैं कबूतर की स्वेलिंग, सूजन के ऊपर, कि कबूतर सूज जाता है और उड़ता नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए कुछ चीजें होती हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। कई उस्ताद नजर आते हैं, शायद मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको भी कई दफा पता नहीं चलता कबूतर का। वो समझते नहीं यार, कबूतर अंदर से पता नहीं बीमार हो गया है, दाना नहीं खा रहा। हालांकि कबूतर स्वेल कर जाता है। सूजन होती क्या कबूतर की? जब कबूतर को नए हम पर देते हैं तो नए पर देके ना हम क्या करते हैं कि उसको बाहर निकालते हैं, आराम आराम से बैठाते हैं, पल्ले मारना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि कबूतर बार बार उड़ता है, क्योंकि उस वक्त एकदम तो नहीं कबूतर बाहर निकला और आसमान को उसके टाइम करने लग गया। वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपनी इंक्रीज करता है, तो उसके कई दफा स्वेलिंग हो जाती है। जस्ट लाइक आप इसकी मिसाल ले लें कि एक बंदा नया एक्सरसाइज शुरू किया उसने, अब वो बंदे ने रनिंग की है, रनिंग करके पहले दिन ही वो 2 किलोमीटर करके आ गया है, तो आगे वो लंबा पड़ गया। उसने कहा जी क्या हुआ, कह जी वो मसल फुल हो गए। अच्छा, दूसरे पंजाबी में कहते जी खलियां पे आ रही हैं। जस्ट लाइक आप कबूतर को कह सकते हैं कि उसको भी खलियां पड़ जाती हैं। अब इसका हल हम क्या करते हैं? हम करते हैं फॉरन पैनाडॉल ले ली, कोई पैनाडॉल CF ले ली, कोई इस तरह की गोली ले ली, पेन किलर, यानी जो पेन को रिलीफ दे सके और बंदा सुकून में आ जाता है। सेम कबूतर के साथ भी यही सिचुएशन है। हमें पता नहीं चलता, हम समझते यार कबूतर का पता नहीं, पार इसका जुड़ गया है या क्या हुआ है, हम तरह तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, स्वेलिंग होती है। इसका बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूँ जो हम करते हैं, बल्कि सारी उम्र करते ही आए हैं यही, लेकिन ये भी बताने का मकसद है। काफी लोगों को पता होगा, लेकिन काफी 80-85% लोग होंगे जिनको नहीं पता। आज पता चल जाता है कि ये करते क्या है। एक बाजार से सिरप मिलता है बच्चों का, जरा दिखाइएगा जी, पैनाडॉल सिरप। मैं सिरप की बात कर रहा हूँ, पैनाडॉल गोली की बात नहीं कर रहा हूँ। पैनाडॉल आपको मिल जाएगी, सिंपल भी, एक्स्ट्रा भी, पैनाडॉल सिरप भी। कई लोग बेचारे जिनको नहीं पता, गोलियां लगाई जाती हैं। सबसे खतरनाक कबूतर के लिए गोलियां होती हैं। अगर आप पीस के लगाएंगे कबूतर का, मेदा अपसेट कर देंगे, कबूतर दाना खाना छोड़ देगा और उसकी जो फिजीक है और जो उसकी अपेयरेंस है ना, वो एकदम डाउन होना शुरू हो जाएगी। कभी गोली नहीं लगानी, आपने बच्चों का, छोटे बच्चों का पैनाडॉल सिरप लेना है। ये देखिएगा जरा, ये रेड कलर का होता है, मैं निकाल के भी दिखाता हूं आपको। मैं स्पेशली आज इसलिए लेके आया था, दिखाइएगा। इसके ऊपर स्पेशली मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये देखिए नीचे लिखा होता है शुगर फ्री। ये देखिएगा नीचे स्पेशली रेड में लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये नीचे शुगर फ्री लिखा हुआ है। आपने कबूतर को कभी भी वो मेडिसिन या सिरप नहीं देना जो शुगर एडिड हो। मेरी बात याद रखिएगा, आज मैं आपको वो टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं। मैं अक्सर देखिए, मैं क्यों बताता हूँ कि बड़े से बड़ा उस्ताद आपको ये बातें नहीं बताएगा, शायद उनको भी पता ना हो, लेकिन चंद उस्ताद अच्छे जो उस्ताद है पुराने, उनको सारा पता है। देखिए हमें ये बातें कहाँ से पता चली? हमारे उस्ताद ने हमें बताई, यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो हम आगे कैरी करते गए, हमें पता चलती गई। जो सिरप आप कबूतर को दें कभी भी शुगर एडिड ना हो। देखिए इस पर लिखा हुआ है शुगर फ्री पैनाडॉल, ये बच्चों का सिरप होता है। ये बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे के कोई पेन है, कोई बच्चा बता पा नहीं रहा, ये सारा रिलीफ उसको बच्चों को देता है। सेम कबूतर की भी जो मेदा होता है और उसकी जो फिजिक होती है ना, फिजिक, वो सेम बिल्कुल वैसी होती है बच्चों वाली, इसलिए उसको ट्रीट भी बच्चों की तरह किया जाता है। उसका मेदा भी इतना होता है कि उसको मेडिसिन इतनी दी जाए। देने का तरीका क्या है, अब आगे देख लें। हमने फर्ज कर लें जी कबूतर निकाले इतवार को, पल्ले मारते मारते हम 5 दिन पल्ले मारे। पहले शुरू में 3 हफ्तों में कबूतर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करने लग गया। अच्छा, तो अब उसको लाजमी बात है उसको टाइम बढ़ाना चाहिए। अब क्या हुआ जी, जब आपने कुछ 6-7 दिन तो उड़ाया, तो कबूतर 2-1.5 घंटा करके वापस आ रहा है और बेचारा ऐसे हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको स्वेलिंग हो गई है। अब उसको स्वेलिंग बताने का तरीका ये है, उसको रेस्ट दे 1 दिन। अब जिस दिन उसको रेस्ट आपने देनी है ना, उस दिन आपने पैनाडॉल सिरप देने। ये देखिए ये होता कैसे है, ये देखिए ये ऐसा होता है, ये अंदर से। मैं एक्चुअली नया डब्बा ले आया था, मैं कह चले आप सबको जरा वीडियो बन जाएगी, जरा सबको पता चल जाएगा। ये रेडिश कलर का होता है सिरप, ऐसे ये देखिए।
ये इतना महंगा नहीं है यार, कोई 70-80 रुपए का मेरे ख्याल से है, इतने का ही है ये। ये बाजार से मिल जाता है, आम हर जगह से मिल जाता है कि बच्चों का पैनाडोल सीरम रेड कलर वाला, बच्चों छोटे बच्चों का वो सीरम दे दे। अच्छा, इसको लगाना कैसे है? आपने क्या करना है, आपने जिस दिन कबूतर को रेस्ट देनी है ना, फर्ज कर लें कि कबूतर बेचारा मर मर के बेचारा स्वेलिंग ज्यादा हुआ है, अब वो क्या कर रहा है कि वो बेचारा उड़ ही नहीं रहा, डंडे मार रहे हैं, आधा घंटा उठता है और आके गिर रहा है, इधर तो गिर रहा है, इसका मतलब है उसके मसल पुल हो गए हैं, स्ट्रेस हो गए मसल उसके, खिंच गए, खिंचाव आ गया है, खलियां पड़ गई है अदरवाइज। आपने क्या करना है, आपने जो इंजेक्शन लेना है 10 cc या 10 ml का इंजेक्शन लेना है, इसको सिरप को उसमें उसकी स्ट्रिंग से 1 ml या 1 cc आपने ना उसको इंजेक्ट कर लेना, खींच लेना है, ठीक है। 1 cc आपने सिरप लेना है और 9 cc उसमें पानी भर लेना है, ठीक है। और आपने कबूतर को पकड़ने, पहले कबूतर को पकड़ के दबाना है, ठीक है, आराम से उसको दबाया, जिस दिन उसकी आपने ड्रेस देना है, मैं उस दिन की बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, उसको पकड़ के दबाना है, दबा के आराम से उसके ना पंजे वगैरह, जो पंजों को तरह खींच लें, गर्दन को हल्की सी करके खींचेंगे, ये नहीं कि गर्दन को फांसी दे दे ऐसे करके, ये काम नहीं कर रहा, हल्की सी खींचेंगे तो उसके ना कड़ाके निकल जाएंगे, वो ये कहे कि यहाँ पे उसके पट्टे होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। साथ ही आपने 1 cc सिरप 9 cc सादा पानी लेके आपने कबूतर को लगा देना है, यहां भी गेम खत्म नहीं करनी, आपने वही सिरिंज दोबारा पानी की, सादा पानी की दोबारा भरनी है और कबूतर को लगानी है, यानी कि टोटल 20 cc पॉइंट आपने कबूतर को देना है, 1 cc पैनाडोल सिरप, 19 cc सादा पानी, कबूतर को फुल करना है। इसके फायदे क्या होंगे, दो देखें, एक तो उसने जिससे उसकी रेस्ट होगी ना कबूतर को, तो आपने इसको ये पैनाडोल सिरप दिया होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, एक तो कबूतर के फौरन 1 घंटे में कबूतर ठापे खुद मार रहा होगा अंदर, क्योंकि उसको रिलीफ मिला होगा, अगर उसको बुखार था या दर्दें थी या जो भी थी, एकदम उसको रिलीफ मिलेगा, कबूतर हशाश होएगा, दाना अच्छा खाने लग जाएगा। दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा 20 cc, यानी कि 1 cc ये सिरप और 19 cc पानी, यानी कि 2 दफा टीके भर के उसको लगा देने आपने पानी के, कबूतर इनटेक पानी को फौरन कर जाता है अंदर की तरफ, ये उसका सबसे एडवांटेज है। जब आप 20 cc पानी देते हैं कबूतर को पता चलता है, बेशक उसके थोड़ा सा मुंह से बाहर भी आ जाए, बहुत रेयर चांस है मुंह से बाहर है, क्योंकि सुबह के वक्त कबूतर का मैदा बिल्कुल खाली होता है, 20 cc पानी तो आराम से वो जज्ब कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर पता भी नहीं होगा कि आपने इसको पानी दिया कि नहीं, इतनी गर्मी पड़ेगी, इसलिए ये सबसे बेहतरीन है। कबूतर को आप अगले दिन उड़ा के देखिए, कबूतर आपका टाइम करके बैठेगा, स्वेलिंग सारी खत्म, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बताया था पीछे एक वीडियो, मैंने आपको बताई थी संभाल का तरीका, संभाल के तरीके के अंदर मैंने आपको सारा बताया था, संभाल कैसे करनी है कबूतर की, वो सारा संभालने का तरीका रात तक जब आपने मुकम्मल कर लिया, मेरी वीडियो देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले दिन खत्म नहीं करना, अगले दिन कबूतर की जब रेस्ट होती है सुबह सुबह आपने उठना है, सुबह सुबह मतलब 7-8 बजे उठ के, 7-8 बजे उठ के आपने यही काम करना है, 1 cc पैनाडोल सिरप, 9 cc पानी लेके कबूतर को लगाना है, फिर 10 cc पानी सादा लेके कबूतर को लगा देना है, यानी कि 19 cc पानी 1 cc पैनाडोल, उसको आराम से धूप में छोड़ दें, वो एंजॉय करेगा, धूप में बैठेगा और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ उड़ेगा और आप जैसे मर्जी उसको उड़ाएं। ये था जी, देखिए कई साथ कहेंगे यार स्वेलिंग कट कर ले वो अदरक फलाना, इतनी गर्मी में आप गर्म पानी दें कबूतर को तो वैसे ही टप हो जाता है। देखिए मेजोरिटी हमारे उस्ताद हजरात में ठीक है, बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, मैं उनकी वो चीजें उनकी साथ है अपनी, मैंने आजमा के देखा गर्मी में आप हल्का सा गर्म पानी लगाए कबूतर जल जाता है, बंदे को पता नहीं चलता कबूतर परवाह छोड़ देता है, फिर हम उसको मेडिसिन लगाएं या कोई नुस्खा लगाएं कबूतर धड़ाम करके जाके गिरता है और हम कहते हैं यार देखिए हम वो फौरन लान तान शुरू कर देते हैं उस्ताद पे, एने कीता जो कीता है ऐही जिम्मेदार है ना, हालांकि हम ये नहीं देखेंगे या उसको बताएंगे भी नहीं कि हमने जी जनाब पहले उसको साड़ दिया है गर्म पानी लगा लगा के लौंगों का फुलाना और वो जी काली मिर्च घुसा देंगे। अच्छा उस्ताद कहेगा ना यार एवं एक काली मिर्च पा दी, हम कहेंगे नहीं यार मजा नहीं है को 5 और पा दियो तो वो उसका नतीजा फिर यह निकलता है, नुस्खा लगाओ कबूतर वो जाके पे है। ये था जी इसको स्वेलिंग को दूर करने का, जरूर करें, आजकल फिरते ले रहे हैं लोग, फिरतों में बड़े परेशान है, कबूतर की स्वेलिंग खत्म होगी ना कबूतर समझे उसका पानी ड्राई हो गया, पानी जो उसका जो है वो अंदर से वो उसको जिससे कहते हैं हाँ उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पानी कैसे खुश करते हैं कबूतर का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जरूर ट्राई करें, जरूर जरूर ट्राई करें। हाँ और लास्ट पे बस एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, मैंने आपको पहले बताया था जो जो मेरे दोस्त हजरात मेरा फार्मूला लगा रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखिए वो मुझे बता रहे हैं कि हमारी 1,00,000 रुपए की बाजी लगी 50,000 की, मैं इससे बड़ी जिम्मा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि अल्लाह और उसके रसूल को मैंने गवाह बना के कहा हुआ है कि ठीक है मैंने गेम सिखाई है
जुए की तरकीब नहीं दी, जुआ वो आपका अपना जाती फेल है, वो जो करेगा वो अपना जाती फेल से करेगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने देखे जी उन भाइयों की जो मेरे कबूतर परवर भाई हैं, यार 85% 90% लोग हैं जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं कर सकते, अफोर्डेबिलिटी उस्तादी शिगिर्दी नहीं अफोर्डेबल कर सकते। वीलॉगर भी जिस तरह आपको ट्रेन कर रहा है, लेकिन ट्रेन करने का मतलब ये नहीं है कि जुआरी बन जाए या पैसे लगाने लग जाए। हमारे साथ गेम आ रही है, ये आज जुमे है, परसों 11 वाले कप में एंट्री है। अब देखे मैंने कैसे एंट्री करवाई है, मैंने उससे कहा कि मुझे आप एज ए गेस्ट अपेयरेंस कर ले इस कप में, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम कोई गल नहीं। देखिए ये एक अच्छा जेस्टर है कि लोग यानी कि मैंने कहा जी कोई एंट्री नहीं कोई कुछ नहीं, मैंने जैसे एक अपना शौक करना है, हाँ जी आपके कितने बजे बैठे मेरे कितने बैठे, एक शुगल है। मुनसफ ने भी आना है, ये नहीं है कि मुनसफ नहीं रहा, मुनसफ आएगा, सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन नो जुआ नो कुछ नहीं, शौक शौक रखा है बस, शौक है, लेकिन है जो करेंगे वो अपने जिम्मेदार खुद है, गुनाहगारी के मैं नहीं। रमजान मुबारक है, बड़े एहतराम का महीना है, अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में बना के बताऊंगा जिसमें जिस्म का पानी कुछ कैसे करना है। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें, वीडियो देखते रहे यार, हमारा माहिर किचन व्लॉग्स भी यार शेयर करो लोगों के साथ और लाइक करें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।